फर्स्ट ईयर का एलकेएम का लेसन चल रहा था जिसमें बनाने की विधियां क्या की थी हमने। बनाने की विधियों के अंदर हमने पहला कौन सा किया था, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन्स का। उसके बाद हमने रिडक्शन ऑफ एल्किल एलाइन किया, फिर हमने मूड्स रिएक्शन की, देन उसके बाद फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रेजिडेंट्स के साथ किया, फिर हमने कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन किया, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर हमने दो रिएक्शन किए थे, पहले रिएक्शन जिसके अंदर हमने तीन कार्बन परमाणु वाले से दो कार्बन परमाणु वाले एल्कीन को प्राप्त किया था। सेकंड कॉल्बी सिंथेसिस के अंदर हमने तीन कार्बन परमाणु वाले से चार कार्बन परमाणु वाले एल्कीन को सिंथेसाइज किया था। देन अब हम रिएक्शन लेते हैं, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर छठी रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर कार्बोनिल सब्सटेंस जो है, कार्बोनिल यानी सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो हमारे पास सब्सटेंस है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर जो सी ओ ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू के अंदर, बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी। तो यहां पर हम ले रहे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर हम केवल जनरल रिएक्शन ले रही हूं मैं, आर आर डैश एल्कीन समूह कुछ भी हो सकता है। इसका जब क्लीमेंसन रिडक्शन होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल, ये हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए है। और यहां पर 4H नवजात हाइड्रोजन चार मॉलिक्यूल्स, और यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, R। मैंने कहा था कि जो CO समूह है इसके अंदर चेंज हो जाएगा CH2 के अंदर। तो अब ये आपके पास सारी रिएक्शन वही की वही है, तो R डैश और ये किसके अंदर चेंज हो गया सी एच टू के, ही है क्लीमेंसन। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज कीटोन एसीटोन का ही ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या है सी एच थ्री, ये क्या है एसीटोन, वही सेम चीज जिंक अमलगम एंड एचसीएल, और यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, कितने कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला, और तीन कार्बन वाला ये था कीटोन, कीटोन से हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्रोपेन एल्कीन प्राप्त हुआ। ये थी क्लीमेंसन के बारे में। अब लास्ट रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है कोरेहाउस सिंथेसिस, कोरेहाउस आयोडाइड। अब ये
साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। सपोज हमारे पास CH3 CuCl, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CH3 CH2 6 CH2, मैंने कहा था हैलाइड के साथ। हैलाइड का कौन सा है, कितने कार्बन है, 6, 7 और 8, ऑक्टेन वाला, ऑक्टेन हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, नोनीन प्राप्त होगा, नोनीन नोनीन के साथ हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 CuAl Li। ये है कोरे हाउस, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कोरे हाउस रिएक्शन का। आपको क्वेश्चन कैसे देंगे कि यहां पर हमें क्या चाहिए, ऑक्टेन दे दिया आपको, हेप्टेन दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसकी फर्दर रिएक्शन आप इसके साथ, यानी जिस प्रकार का भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उस टाइप का आप रिएक्टेंट, जहां तो वह हम ये मिलेंगे उस प्रकार का रिएक्टेंट हम चेंज कर देंगे। ये डेकेन पूछा है तो यहाँ पर हम इसको नोनेन दे देंगे, कोई और पूछा है उस हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। तो ये तो थी हमारी एल्केन्स के बनाने की विधि। मैं रिपीट करती हूँ वन बाय वन कि हमने सबसे पहले किया था बनाने की विधियों के अंदर हाइड्रोजिनेशन, स्टेप वाइज चलिए। हाइड्रोजिनेशन क्या है, जिसके अंदर हाइड्रोजन को जोड़ते हो एल्कीन या एल्काइन के साथ, क्योंकि ये रिएक्शन एक्स वाई जेड के अंदर आएगी आपकी, तो आपको क्लियर माइंड में क्लियर होनी चाहिए चीजें, चाहे लिखी हो लेकिन जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को जोड़ना है, कहां जोड़ना है, असंतृप्तता पर, एल्कीन या एल्काइन पर जोड़ना है। उसके बाद सेकंड हमने की थी रिडक्शन के साथ, रिडक्शन किया था हमने किसी भी एल्कीन हैलाइड का रिडक्शन किया था, उसके अंदर भी क्या होगा, नवजात हाइड्रोजन को उसके अंदर हम जोड़ देते हैं। थर्ड रिएक्शन हमने की थी वुड्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया था, एल्कीन हैलाइड के अभिक्रिया सोडियम के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मैकेनिज्म के अंदर, मैंने इसमें बताया था फ्री रेडिकल के द्वारा, जब हम एक ही प्रकार का हम लेते हैं, एक ही प्रकार का आयोडाइड लेते हैं, तब उसके अंदर हमें एल्केन प्राप्त होगा, और अगर हम डिफरेंट टाइप्स के ले लेते हैं तब हमें उसका मिक्सचर प्राप्त होगा, क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल रिएक्शन हमने देखी। देन उसके बाद हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन के लिए हम जहां एक्टिव हाइड्रोजन होगा तब उसके अंदर क्या प्राप्त होगा, हमें एल्केन्स प्राप्त हो जाएगा। देन उसके बाद हम मिली थी डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर दो रिएक्शन थी, कौन कौन सी, पहले आपने डीकार्बोक्सिलेशन किसका किया था, उस सोडा लाइम के प्रेजेंस के अंदर सोडियम धातु के साथ हमने जो लिया था, अब उसके अंदर हमें 3 कार्बन से कम कार्बन परमाणु यानी 2 कार्बन परमाणु वाला एल्केन प्राप्त होता है। उसके बाद हमने लिया था कॉल्बे सिंथेसिस के अंदर 3 कार्बन परमाणु वाले से अधिक कार्बन परमाणु वाला हमें एल्केन प्राप्त होता। फिर उसके बाद हमने ली थी क्लेमेंसन रिएक्शन के अंदर CO समूह जो है वो CH2 के अंदर चेंज हो जाता है। देन उसके बाद लास्ट हमारी रिएक्शन थी कोरे हाउस रिएक्शन। इसके अंदर का धातु यौगिक बनता है जिसके हम क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाकर उसको हम फर्दर ही हाई एल्कीन्स जो हमें प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार का आपको प्रोडक्ट चाहिए, जिस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, उसी प्रकार आप रिएक्टेंट को चेंज कर देंगे। ये तो थे बनाने की विधियां, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।